भाई पॉलिटिक्स में इमेज हो तो सचिन पायलट जैसी हो, क्योंकि अब तो सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी उनके लिए आवाज उठाने लगे हैं। बीजेपी से राज्यसभा के सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने वैसे तो यूपी में राजनीति करते हैं, लेकिन अब जब करौली में स्वर्गीय करोड़ी सिंह बैसला के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने जा रहे थे तो रास्ते में सर पायलट के घर दौसा में रुककर पायलट के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल गए। प्रदेश अध्यक्ष होते हुए बहुत से ऐसे उदाहरण पूरे देश में हैं कि जहां प्रदेश अध्यक्ष जो बना वही उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकारों में बना। लेकिन ये किस मूवमेंट में कह सकता हूँ कि हमारे समाज के साथ एक विश्वासघात है कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने कांग्रेस को वोट किया और वोट जो लिया गया वो सचिन पायलट के नाम पर माना कि उनको हम मुख्यमंत्री बना, ये विश्वासघात है। और समय आने पर मुझे उम्मीद है कि जो लोगों जो कांग्रेस के लोगों ने हमारे समाज के साथ विश्वासघात किया है उसका 1.5 से 2 साल रहने इस समय चुनाव का समय आने पर मुझे लगता है कि जागरूकता तो हमारे समाज के लोगों में राजस्थान के लोगों में है कि समय आने पर वो उचित जवाब, क्योंकि तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है वो है आपका वोट। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने दौसा पहुंचकर एक बार फिर से सचिन पायलट को सीएम बनने की बात कहकर सियासत में नई बहस छेड़ दी है। तो क्या माना जाए कि सचिन पायलट अब इतने ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं कि बीजेपी वाले भी उन्हें राजस्थान का सीएम बनना देखना चाहते हैं? सुरेंद्र सिंह नागर ने पार्टी लाइन से हटकर जो बात बोली है उससे सियासत तो तय है, क्योंकि बीजेपी का कोई नेता अगर कांग्रेस के किसी नेता का राजस्थान का सीएम बनने की मांग करे तो हो सकता है कि पार्टी उसके इस बयान से नाराज भी हो जाए। हालांकि सुरेंद्र सिंह नागर का ये बयान अपने समाज के लोगों के हित को देखते हुए बताया जा रहा है। दौसा में सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम न बनाकर गुर्जर समाज के लोगों के साथ धोखा किया है। सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब राजस्थान में वोट मांगने जा रहे थे तो गुर्जर समाज के सामने सचिन पायलट को सीएम का चेहरा बनाकर पेश किया गया था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस को बहुमत मिला तो पार्टी पायलट को भूल ही गई और अशोक गहलोत को सत्ता की कमान दे दी। जबकि सरकार बनाने में सबसे ज्यादा किसी ने अगर मेहनत की थी तो वो थे सचिन पायलट। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर पायलट के लिए खुलकर बोले। उन्होंने कहा, बाकी राज्यों में देखा गया है कि जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होता है उसे ही सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन राजस्थान में तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। नागर ने कहा कि अब गुर्जर समाज के लोगों को जागरूक होना चाहिए और अगले चुनाव में उचित जवाब देंगे। पायलट की तारीफ तो पहले भी कई नेता करते आए हैं। बीजेपी सांसद करोड़ीलाल मीणा और गजेंद्र सिंह शेखावती पायलट के प्रशंसक हैं, लेकिन जिस तरह से सुरेंद्र सिंह नागर ने खुलकर सचिन पायलट के लिए आवाज बुलंद की है ऐसा शायद पहली बार ही देखने को मिला है। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, ऐसे में बीजेपी नेताओं का खुलकर सचिन पायलट की तारीफ करने का क्या मतलब है, क्योंकि सचिन पायलट फिलहाल अभी कांग्रेस में ही है और बीजेपी में जाने से उन्हें साफ इनकार कर दिया गया है। तो फिर ऐसा क्या वजह है जो बीजेपी वाले सचिन पायलट के दीवाने हो गए हैं?